अमृतसर में हुई आतंकी हमले को देखते हुए जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने LIU, विजिलेंस, स्वाइट टीम, क्राइम ब्रांच सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने पब्लिक से अपील किया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें तथा अफवाहों पर ध्यान ना दें। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा, हम लोग लगातार रूप से फ्रिस्किंग, चेकिंग, पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग हम लोग का लगातार रूप से चलता रहता है। जिस तरीके से इनपुट आया उसको लेके हमने अपने भी जो एजेंसीज हैं, LIU है, उसको एकदम अलर्ट कर दिया है। हर इनपुट के ऊपर से जो भी सूचना आ रही है उसके ऊपर हम लोग का रिस्पांस आ रहा है। साथ ही साथ जो बाहरी व्यक्ति आए उनका निरंतर रूप से सत्यापन की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। स्पेसिफिक थ्रेट को लेके हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। नियमित रूप से हम लोग के द्वारा मॉक ड्रिल्स इत्यादि की भी कार्रवाई की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग का प्रयास है कि पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में पुलिस की प्रेजेंस दिखा के जो इस तरह की सूचना के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पब्लिक से सबसे पहले तो पब्लिक को अगर कोई संदिग्ध या कोई इस तरह की चीज़ दिखती है तो गोपनीय रूप से भी शिकायत कर सकता है और 100 नंबर जो है उसके ऊपर कॉल करके आप हम लोग को बता सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ यदि आपको संदिग्ध दिखाई देती है, किसी का मूवमेंट संदिग्ध दिखाई देता है या कोई और चीज़ दिखाई देती है तो वो हम लोगों को गोपनीय रूप से भी सूचना दे सकते हैं। पब्लिक से हमारी यही रिक्वेस्ट है। दूसरी तरह किसी भी तरह की अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें, अफवाहों से पहले उसकी पुष्टि कर ली जाए। थाने स्तर पे हम लोग के द्वारा डिजिटल वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया गया है सभी थानों के ऊपर और उसके ऊपर भी हम लोग लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रयास करके पब्लिक को जागरूक करना, अफवाहों का खंडन करना, सही जानकारी पहुँचाना हम लोग का प्रयास है।